हालेलुया। हालेलुया का मतलब क्या होता है? यहोवा की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा, स्तुति करने के लिए आप लोग आए हैं। अगर आपको स्तुति करनी नहीं आती तो एक हालेलुया बोलकर भी परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। स्वयं परमेश्वर के पवित्र वचन को आज हम लोग देखते हैं। जकरिया 2 अध्याय और उसका 5 वचन हम लोग पढ़ेंगे। जकरिया 2 अध्याय और उसका 5 वचन। जकरिया 2 अध्याय और 5 वचन। यहोवा की ये वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आग की सी शहरपनाह ठहरूंगा और उसके बीच में तेजो में होकर दिखाई दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। अपने हाथ उठाकर बोलिए हालेलुया। 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 यहोवा की ये वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आग की सी शहरपनाह ठहरूंगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके चारों ओर बड़ा बांध के रखना चाहते हैं। कहां पर? आपके चारों ओर। सब लोग बोलिए चारों ओर। चारों ओर। आप लोग भी चारों ओर। परमेश्वर आपके हालेलुया। परमेश्वर आपके चारों ओर बड़ा बांधना चाहते हैं। किस लिए? आपकी रक्षा के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए। आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा। पहले आप ये बात को समझिए। इन दिनों में महामारी रही, इन दिनों में बहुत से लोग दुखों में, मुश्किलों और परेशानियों में रहे। ये पिछले 6 महीने बहुत दुख और मुश्किल के रहे, लेकिन परमेश्वर के लोगों परमेश्वर ने आपके चारों ओर बाड़ा बांध के रखा। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके चारों ओर बाड़ा इसलिए बांध के रखा हुआ था कि परमेश्वर आपकी सहायता करे, रक्षा करे, मदद करे। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा की ये वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आग की सी शहरपनाह ठहरूंगा। हालेलुया। उस समय क्या होता था? उस समय ऐसा होता था कि शहर के चारों ओर, जैसे ये शहर है, अब उस शहर के चारों ओर बाहर जो नगर होते थे, बड़े नगर होते थे, उन नगरों के चारों ओर शहरपनाह होती थी। ताकि कोई भी दुश्मन आसानी से अंदर आकर लूटपाट ना करे, कोई जंगली जानवर ना आए, कुछ ऐसे अचानक कोई लूटने वाला ना आए, चारों ओर शहरपनाह होती थी और उसके गेट लगे होते थे। वो गेट खुलते थे, लोग बाहर निकलते थे, गेट बंद होते थे, तो कोई भी ना बाहर से अंदर ना अंदर से बाहर जा सकता था। परमेश्वर आपके चारों ओर आग की सी शहरपनाह, कैसी शहरपनाह? आग सी। हालेलुया। हालेलुया। आग सी। आग सी यानी कि परमेश्वर आप यहां खड़े हुए, जैसे परमेश्वर खुद आपके चारों ओर आग का बाड़ा बांधना चाहते हैं। हालेलुया। आग का बाड़ा। आपने देखा होगा बड़े बड़े किले जो होते हैं, वहां पर जो बाहर की शहरपनाह होती है, जो बाहर की दीवारें होती हैं, उसके आगे उन्होंने एक नदी बना रखी होती है और काफी गहरी और चौड़ी नदी होती है, ताकि अगर दुश्मन आ भी जाए तो उस पानी में से आगे ना आ सके। कई किले मैंने देखे हैं, गढ़ किले। ऐसे ही परमेश्वर आपके चारों ओर आग की शहरपनाह बनाना चाहते हैं। आग की। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए कि कोई तो पानी अंदर से डुबकी लगाकर कैसे करके पार निकल जाए, लेकिन आपकी शहरपनाह बनाना चाहते हैं ताकि कोई भी दुश्मन, कोई भी शैतान की ताकत आपके विरोध में ना हो सके। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके क्या लिखा है, यहोवा की ये वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आग की सी शहरपनाह ठहरूंगा। ये सिर्फ लिखा ही नहीं है, परमेश्वर ऐसा करते भी हैं, लेकिन दिखाई उन्हें देता है जो हां कहते हैं, आमीन कहते हैं, हालेलुया कहते हैं, उन्हें दिखाई देता है, बाकी को नहीं। कि उसके जानवर आग का बाड़ा है या नहीं है। जो अपना ध्यान आत्मिक है, जो आत्मा में भरे हुए हैं, जो पवित्र आत्मा में भरे हुए हैं, जो आत्मिक है, उन्हें वो दिखाई देता है। दूसरा राजा 6 अध्याय, दूसरा राजा 6 अध्याय उसका 8 वचन से 23 वचन तक जब पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन उसका 8 वचन एक बार पढ़ना। दूसरा राजा 6 अध्याय और उसका 8 वचन। अराम का राजा इस्राएल से युद्ध कर रहा था, हाँ। और सम्मति करके अपने कर्मचारियों से कहा, अमुक स्थान पर मेरी छावनी होगी। तो अराम का राजा युद्ध कर रहा था परमेश्वर की सेना से, तो उनने अपने खास मंत्री कर्मचारियों से बात की, अपने ऐसा करेंगे सारी सेना वहां पर लगाएंगे, सेना यहां नहीं यहां लगाएंगे। तो जो दूसरे थे परमेश्वर के लोग थे, उन्हें पता चल जाता था और वो उस रास्ते से नहीं जाते थे और वहां पर अपना पहले ही अपनी फौज भेज देते थे। तब ये दुश्मन राजा कहने लगा, अपने मंत्रियों को बुलाकर कहने लगा, हमारी ओर से कौन है जो उनके साथ मिला हुआ है? क्योंकि जो भी हम योजना बनाते हैं उन्हें पता चल जाती है। वो कहने लगे, हे राजा, हम में से कोई भी उसकी ओर नहीं है, हम में से कोई भी उसकी ओर नहीं है। लेकिन वहां पर एक परमेश्वर का दास है अलीशा, जो तो अपने बेडरूम में बात करता है कि हम वहां छावनी बनाएंगे, वहां जाएंगे। वो बातें भी उसे पता चल जाती हैं, वो अपने राजा को वो बता देता है, इसलिए उनकी बचत हो जाती है। तब उसने क्या किया, उसने कहा, ठीक है, राजा से युद्ध छोड़ो, अलीशा से युद्ध करो, जाके अलीशा को पकड़ो। तब 15 वचन से लेकर 17 वचन तक हम पढ़ेंगे। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलो उठा। बच्चा सबका सबके इधर सब थोड़ी लेस में पकड़। भोर को परमेश्वर भक्त का टहलो उठा। हाँ, भोर को सुबह क्या हुई, जब रात को सो रहे थे, दुश्मन अपनी सेना सारी भेज दी। सुबह जब उसका टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखा, घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? हालेलुया। क्या हुआ, जब अलीशा का सेवक टहल हुआ, रहता तो अलीशा के साथ ही था, रहता तो चर्च में ही था, रहता तो वहीं पर ही था वो भी। लेकिन जब वो उठा तो उसने देखा कि जिस पहाड़ पर वो रहते थे उसके चारों ओर दुश्मन की सेना, चारों ओर दुश्मन के घोड़े, किसने घेरा कर उसे दुश्मन ने, उनके पहाड़ को दुश्मन ने चारों ओर घेर रखा था। हालेलुया। तो एक बार वो आके कहने लगा अलीशा से, हाय मेरे स्वामी, ये क्या है, हमें तो चारों ओर से दुश्मन की सेना ने घेर लिया है। तब उसने कहा, मत डर। अलीशा ने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है। जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक है, जो उनकी ओर है। हाँ। तब अलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। हाँ। तब अलीशा ने यह प्रार्थना की, हे परमेश्वर, इसकी तो ये देख सके। अलीशा देख रहा था, लेकिन उसका डर हुआ, वो व्यक्ति वो नहीं देख रहा था, उसे नहीं कुछ भी पता चल रहा था। अलीशा देख रहा था, उसने प्रार्थना की, प्रभु जी ये भी देखने लगे। यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और जब देखा, तब क्या देखा कि अलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। हालेलुया। अलीशा के चारों ओर का पहाड़, चारों ओर का पहाड़ कैसे हुआ था? अग्नि में घोड़े और रथों से भरा हुआ था। हालेलुया। जो दुश्मन ने जानवरों से घेरा हुआ था, रथों और घोड़ों से, लेकिन परमेश्वर ने उसकी रक्षा के लिए, परमेश्वर ने उसकी सुरक्षा के लिए उसको घेरा हुआ था। कैसे? अग्नि में घोड़े और अग्नि में रथों से। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितना घेरा हुआ था परमेश्वर ने उसके चारों ओर? कितना घेरा था? परमेश्वर ने उसके आगे आगे घेरा हुआ था, ऐसा लिखा है। परमेश्वर ने पीछे पीछे घेरता रखा हुआ था, आग का थम्मा बना रखा था, ऐसा लिखा चारों ओर। हालेलुया। क्या लिखा है? चारों ओर का पहाड़। हालेलुया। चारों ओर का पहाड़, ये चारों ओर का पहाड़ अग्नि में है। हालेलुया। परमेश्वर, पहले हम लोग जकरिया में पढ़ा है कि परमेश्वर उनके चारों ओर आग की शहरपनाह बनाएगा। हालेलुया। चारों ओर, सब लोग कहें चारों ओर, चारों ओर। हालेलुया। यहां पर हम लोग देखते हैं चारों ओर पहाड़ आग से भरा हुआ है। हालेलुया। वो परमेश्वर आपके चारों ओर चाहते हैं। जैसा कहूं, उस परमेश्वर ने आपके चारों ओर बाड़ा बांध के रखा हुआ है, इसलिए भी आप सुरक्षित हैं। कुछ लोगों को वो बाड़ा दिखाई देता है और कुछ लोगों को नहीं देता। अलीशा को चारों ओर का बाड़ा दिखाई दे रहा था, आग का बनाया हुआ, लेकिन उसके टहलुओं को नहीं दिखाई दे रहा था। इसलिए वो कह रहा, हाय प्रभु, हाय स्वामी, हाय हम क्या करेंगे, हाय हाय क्या होगा, हाय क्या होगा। जो नहीं देखते कि उनके चारों ओर परमेश्वर बाड़ा बांधा हुआ है, वो लोग कहते हैं हाय क्या होगा, हाय कैसे होगा, हाय क्या होगा, हाय कैसे होगा। अब तो चारों ओर हमें शैतान ने घेर लिया, अब तो चारों ओर हमें दुश्मन ने घेर लिया, अब तो चारों ओर हमें कर्जे ने घेर लिया, अब तो चारों ओर हमें निराशा ने घेर लिया, अब तो चारों ओर हमें असफलता ने घेर लिया, अब तो चारों ओर हम बस बीमारियों ने हमें घेर लिया। वो ये देखते हैं, देखने में अंतर। अलीशा ने देखा चारों ओर परमेश्वर ने आग का पैरा लगा रखा हुआ। हालेलुया। उसके सेवक ने देखा चारों ओर दुश्मन ने घेर रखा हुआ है। देखा दोनों ने ही। आप लोग भी देखते हैं, कुछ लोग देखते हैं अलीशा की तरह कि परमेश्वर ने आग से चारों ओर हमें सुरक्षा के लिए घेरा रखा हुआ है, और कुछ लोग देखते हैं उसके टहलुए की तरह, हाय ये हो गया, हाय ऐसा हो गया, हाय ऐसा हो गया, हाय हम तो फिर गए, हाय हम तो ऐसा हो गया। वो इन बातों में रहते हैं। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं, कल प्रभु ने मुझे ये वचन जब दिया, मैंने लिखा से, आज मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपके चारों ओर बाड़ा बांध रखा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जोर से कहें हालेलुया। परमेश्वर ने दुश्मन के लिए कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा। अगर परमेश्वर इधर बाड़ा बांधते, इधर भी बाड़ा बांधते, इधर भी बाड़ा बांधते, एक साइड छोड़ देते तो दुश्मन वहां से आ जाता, लेकिन परमेश्वर ने चारों ओर बाड़ा बांध दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 125 अध्याय और उसका 2 वचन हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 125:2। जिस पर तो पहले मैं आपको बता दूं वहां पर क्या होता है। जब उसने देखा कि चारों ओर ऐसा है, तब वो तो सुबह उसको पकड़ने के लिए आए थे, लेकिन अलीशा ने कहा कि परमेश्वर इन्हें आंखों से देखना बंद हो जाए। वैसे तो देख रहे थे लेकिन आंखों से साफ नहीं नजर आ रहा था, इन्हें आंखों से देखना बंद हो जाए, तो वो आंखों से देखना उन्हें बंद हो गया। जब आंखों से देखना उन्हें बंद हो गया, तब अलीशा नीचे जाता है उनके पास और पूछता है, हाँ कहां आए हो? तब वो कहता है कि हम तो अलीशा को ढूंढने आए हैं, अलीशा के पास आए हैं। उसने कहा ऐसा है, आओ मैं तुम्हें लेकर चलता हूं। तब वो उसके पीछे पीछे चलते 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 कहां पहुंच गए? राजे के दरबार में। दुश्मन राजा, यानी कि जो परमेश्वर की ओर से राजा था उसका, तो वो सेना और सब जो भी आए थे उसको पकड़ने के लिए अलीशा को आगे गया। अलीशा पीछे पीछे वो सेना के साथ लोग आए, और राजा कैसे सिंहासन लगा हुआ था, इधर मंत्री और सब थे बैठे हुए थे, वहां लाए और फिर उसके बाद प्रभु इनके आगे बोल रहे। वो अंधे नहीं हुए थे लेकिन वैसे उन्हें दिखाई देना बंद हो गया था। जब उनके आगे बोली, उन्हें देखा, अरे सामने राजा और सब है, अब तो फंस गए हम लोग। परमेश्वर के लोगों, दुश्मन चाहे आपके चारों ओर बाड़ा बांधे, आपकी हामी के लिए याद रखना वो आपकी हामी नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर ने आपके चारों ओर आग सा बाड़ा बांध रखा है। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 125 अध्याय और 2 वचन। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। हालेलुया। क्या लिखा है? जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है। मैं क्या हूं? 2 बार यरूशलेम, चारों ओर पहाड़। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। उसी प्रकार यहोवा परमेश्वर अपनी प्रजा के चारों ओर बना रहेगा। हालेलुया। किसके चारों ओर बना रहेगा? किसके? प्रजा के। कितना? चारों ओर। क्या लिखा है? चारों ओर। क्या लिखा है? सब लोग बोलिए, क्या लिखा है? चारों ओर। हालेलुया। मुझे मत दिखाता रहे, ठीक है, लोगों को देखो। क्योंकि कितने समय बाद आज चर्च खुला, लोगों को पता चले चर्च खुला हुआ। हालेलुया। दोबारा से पढ़ना। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। परमेश्वर कैसे? चारों ओर। हालेलुया। एक बार फिर से कहें, कैसे? चारों ओर, चारों ओर। क्या लिखा है? शुरू में हम लोगों ने पढ़ा जकरिया में, परमेश्वर चारों ओर आग किसी शहर बना। फिर हम लोगों ने पढ़ा अलीशा के चारों ओर, अलीशा के चारों ओर आग, आग किसे। और यहां पढ़ा है चारों ओर। हालेलुया। चारों ओर परमेश्वर आपकी सुरक्षा के लिए बाड़ा बांध के रखना चाहते हैं। भजन संहिता 34 अध्याय और 7 वचन। यहोवा के डरवियों के चारों उसका दूध छावनी किए हुए उसको बुला जाता है। फिर परमेश्वर क्या करते हैं? परमेश्वर का दूध यानी कि स्वर्ग दूत, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो परमेश्वर के साथ चलते हैं, उनके चारों ओर क्या करते हैं? स्वर्गदूत छावनी बनाकर रखते हैं। क्या रखते हैं? छावनी। आपने देखा है यहां पर छावनी जहां पर बहुत से सैनिक होते हैं, यहां पर बहुत सी फौज इकट्ठा होती है। छावनी आपके बाएं आपके आगे क्या लिखा है? क्या लिखा है? यहोवा का दूत चारों ओर। कैसे? चारों ओर। क्या लिखा है? चारों ओर। सब लोग कहीं चारों ओर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। चारों ओर परमेश्वर के स्वर्गदूत छावनी बनाकर रखना चाहते हैं। एक साइड पे छावनी नहीं, चारों ओर छावनी बनाकर। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें एक बार। परमेश्वर आप हमारे चारों ओर बाड़ा बांध के रखना चाहते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारे चारों ओर बाड़ा बांध के रखते हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर जी आज तक आपने हमारे चारों ओर बाड़ा बांध के रखा, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। इस महामारी में आपने हमारे चारों ओर बाड़ा बांध के रखा, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। इस संकट के समय में, इस मुसीबत के समय में, इस अंधकार के समय में आपने हमारे चारों ओर बाड़ा बांध के रखा, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया। भजन संहिता 121 अध्याय उसका 5 और से लेकर 8 बजे तक हम लोग पढ़ेंगे। यहोवा तेरा रक्षक है। यहोवा परमेश्वर तेरा रक्षक है। यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। दाहिनी और तेरी आड़ है। न तो दिन को धूप से, ना तो दिन को धूप से, और न रात को चांदनी से, ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा परमेश्वर तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। हालेलुया हालेलुया। कैसे करते हैं? अपने सदूतों को भेजेंगे। आप अग्नि में चारों ओर बाड़ा बांधेंगे। सदूतों को भेजेगा कि चारों ओर बाड़ा बांध के रखें। खुद आप किसी शहर बना बनाकर आपकी रक्षा करेंगे। हालेलुया हालेलुया। और भजन संहिता 91 अध्याय उसका 10 से लेकर 12 बजे तक हम लोग पढ़ेंगे। 91 भजन संहिता। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी। ना कोई दुख तेरे डेरे के निकलेगा। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। क्योंकि परमेश्वर अपने दूतों को, सदूतों को तेरे लिए आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए, जहां कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करे। वह तेरी रक्षा करे। हालेलुया। जहां कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करे। तेरे चारों ओर बाड़ा बांध के रखे स्वर्गदूत। तेरे चारों ओर आप किसी शहर बना कर रखे। और अब तो ऐसा हो गया है कि पवित्र आत्मा आपको चारों ओर घेर कर रखे। हालेलुया। जो आपका सहायक और मददगार है आपका। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सो परमेश्वर के लोगों, आज आप सुरक्षित हो। आज आप इस भवन में आ सके और प्रभु की महिमा कर सके, क्योंकि परमेश्वर ने आपके चारों ओर बाड़ा बांध के रखा। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके चारों ओर बाड़ा बांधा हुआ है। परमेश्वर ने आपके धन संपत्ति के चारों ओर बाड़ा बांधा हुआ है। परमेश्वर ने आपके परिवार के चारों ओर बाड़ा बांधा हुआ है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसलिए परमेश्वर बाड़ा बांधते हैं। आपकी हालेलुया। सब लोग कहें आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। और अगर कोई हमारे बीच में पहली बार आया है, जब वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता, उसके लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी रक्षा करने के लिए परमेश्वर आपके चारों ओर बाड़ा बांधना चाहते हैं। आपकी सेवा करने के लिए परमेश्वर आपके चारों ओर बाड़ा बांधना चाहते हैं। आपको चंगाई देने के लिए परमेश्वर आपके चारों ओर बाड़ा बांधना चाहते हैं। आपको छुटकारा देने के लिए परमेश्वर आपके चारों ओर बाड़ा बांधना चाहते हैं। आपको सफलता देने के लिए परमेश्वर आपके चारों ओर बाड़ा बांधना चाहते हैं। और आपको आशीष देने के लिए आपके चारों ओर बाड़ा बांधना चाहते हैं। जोरदार धन्यवाद करें परमेश्वर मसीह का। अब जब परमेश्वर आपके चारों ओर बाड़ा बांध देते हैं, कोई भी दुश्मन, कोई भी शैतान, कोई भी अंधकार की ताकत तुम्हारी हानि नहीं कर सकती, क्योंकि वो बाड़ा किसने बांधा है? परमेश्वर ने। वो बाड़ा किसने बांधा है? परमेश्वर ने। परमेश्वर का बांधा हुआ बाड़ा कोई भी तोड़ नहीं सकता है। परमेश्वर ने बाड़ा बांधा है। आप मुझे ये बताएं, क्या शैतान उसे तोड़ सकता है? बोलो, शैतान तोड़ सकता है बाड़ा? नहीं तोड़ सकता। शैतान बाड़ा नहीं तोड़ सकता, दुश्मन बाड़ा नहीं तोड़ सकता, दुश्मन की सेना उस बाड़े को नहीं तोड़ सकती। हालेलुया। लेकिन एक है जो तोड़ सकता उस बाड़े को। कौन? एक है जो बाड़े को तोड़ सकता उसको। परमेश्वर ने आपके चारों ओर बाड़ा बांधा हुआ है। परमेश्वर ने आपके घर के चारों ओर बाड़ा बांधा हुआ है। आप किसी शहर पर बना रखी है। शैतान अबलेस की कोई ताकत नहीं उस बाड़े को तोड़ सके। दुनिया भर की दुष्ट आत्माओं की कोई ताकत नहीं उस बाड़े को तोड़ सके। दुश्मन की कोई ताकत नहीं उस बाड़े को तोड़ सके। लेकिन एक है जो उस बाड़े को तोड़ सकता है, और वो कौन है? सबोपदेश 10 अध्याय और उसका 8 वचन। सबोपदेश 10 अध्याय 8 वचन। जो गड्ढा खोदे वह उसमें गिरेगा, और जो बाड़ा तोड़े उससे सर पड़सेगा। जो बाड़ा तोड़े उससे सर पड़सेगा। कौन बाड़ा तोड़ेगा? कौन तोड़ सकता है? खुद वो व्यक्ति खुद बाड़ा तोड़ सकता है जिस व्यक्ति के चारों ओर बाड़ा बांधा हुआ परमेश्वर ने। एक व्यक्ति है और उसके चारों ओर आग सा बाड़ा बांधा हुआ है, शब्दों का बाड़ा बांधा हुआ है, और दुनिया की लाखों करोड़ों दुष्ट आत्माएं आकर उस बाड़े को नहीं तोड़ सकती। दुश्मन की सेना आकर उस बाड़े को नहीं तोड़ सकती। किसी भी तरीके से शैतान उस बाड़े को नहीं तोड़ सकता। एक है जो तोड़ सकता है, वो है वो खुद व्यक्ति जिसके चारों ओर बाड़ा बांधा हुआ है। अगर वो तोड़ना चाहे तो उस बाड़े को तोड़ सकता है, और ऐसा ही होता है। परमेश्वर चारों ओर बाड़ा बांध के रखते हैं, और जिनके चारों ओर बाड़ा बांधा होता है वो ही उस बाड़े को तोड़ देते हैं। कहते हैं कोई बात नहीं, थोड़ा सा गेट खोल देते हैं, इतने से क्या होता है। मान लो यहां पर है और इसके ये एक व्यक्ति है, इसके चारों ओर बाड़ा बांधा हुआ है। कहते चलो यहां से बाड़ा नहीं हटाते, यहां से भी नहीं हटाएंगे, यहां बाड़ा बांधा रहना देते, यहां बाड़ा बांधा रहना, यहां भी रहने देते हैं। ऐसा करते, इतना सा थोड़ा सा गेट खोलते हैं, थोड़ा सा। जब इतना सा गेट खोलते हैं, थोड़ा सा गेट खोलते हैं, तो दुश्मन को अंदर जाने के लिए अपने रास्ता बना दिया। वहां से दुश्मन फिर अंदर आएगा और अंदर आकर अपनी मनमर्जी करेगा, क्योंकि बाड़ा तो आपने तोड़ दिया। इसलिए अगर पिछले दिनों में 6 महीने आपने जो निकाले हैं, इस 6 महीने के दौरान किसी भी कारण से आपने बाड़ा तोड़ा है, तो आज जब आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, आप समझ रहे हैं। आप बाड़े को अगर तोड़े गए तो क्या लिखा है, जो बाड़ा तोड़े उसी को सर्प डसेगा। सर्प किसका चिन्ह है? शैतान का प्रतीक है। इसको मैं ऐसे पढ़ सकता हूं, जो बाड़ा तोड़े उसको शैतान पकड़ेगा, उसको शैतान डसेगा। जो बाड़ा तोड़े उसे शैतान डसेगा, जो बाड़ा तोड़े उसे शैतान डसेगा। आप बोलो, जो बाड़ा तोड़े, वादा नहीं आपके, जो बाड़ा तोड़े उसे शैतान डसेगा। जो बाड़ा तोड़े उसे शैतान डसेगा। और जब शैतान के लिए आपने रास्ता खोला, वो आएगा और सब काम करेगा। क्या कौन से काम करेगा? यूहन्ना 10:10 में लिखा हुआ है, शैतान चोरी करने के लिए आता है, नाश करने के लिए आता है, घात करने के लिए आता है। वो आएगा, नाश करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, तोड़फोड़ करेगा, चोरी करेगा। आपके विश्वास को चोरी कर लेगा, आपके अभिषेक को चोरी कर लेगा, आपके अंदर जो आत्म बातें उन्हें चोरी कर लेगा। आप जो पहले प्रार्थना करते थे उसे चोरी कर लेगा, फिर मन ही नहीं करेगा प्रार्थना में। जो आप प्रभु की आराधना करते थे, आप नाचते थे, गाते थे प्रभु की आराधना में, उसे आप चोरी कर लेगा, जो आनंद परमेश्वर ने दिया होता है। और आप खाली डिब्बा बनकर रह जाएंगे, खाली डिब्बा। आत्मा का अंदर कुछ नहीं है, आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है, अभिषेक नाम की कोई चीज नहीं। क्यों? क्योंकि आपने रास्ता खोला और सर्पने डसा। वहां लिखा है, प्रभु यीशु मसीह इसलिए आते हैं कि लोग जीवन पाए, बपतिस्मा का जीवन पाए। लेकिन शैतान चोरी करने के लिए आता है, घात करने के लिए आता है, डिस्ट्रॉय करने के लिए आता है। आपके विश्वास को चोरी कर देगा, आपकी शांति को वो चोरी करेगा। जो कुछ भी आपके अंदर आत्मक वरदान है, सबको चोरी करेगा। जब आपके विश्वास को चोरी कर लिया, आपकी आशा को चोरी करेगा, आपकी सफलता को चोरी करेगा। इसलिए आज आप समझें, आप फिर से कहें, मेरे परमेश्वर पिता, परमेश्वर के नाम से मेरे चारों ओर बाड़ा बांध दीजिए। आप कहें, हे परमेश्वर पिता, मेरे चारों ओर बाड़ा बांध दीजिए। जो बोलेंगे उनके चारों ओर बाड़ा बनेगा, जो बोलेंगे उनके चारों ओर बाड़ा बनेगा, जो नहीं बोलेंगे नहीं बनेगा, क्योंकि वो अंगीकार नहीं करते। आप कहें, हे परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु के नाम में मेरे चारों ओर बाड़ा बांध दीजिए, बाड़ा बांध दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर तैयार है आपके चारों ओर बाड़ा बांध करने के लिए। परमेश्वर तैयार है आपकी रक्षा करने के लिए। परमेश्वर तैयार है आपको बपतिस्मा का जीवन देने के लिए। क्योंकि यूहन्ना 10:10 कहता है, प्रभु यीशु मसीह जी कहते हैं, मैं इसलिए आया कि तुम्हें जीवन दूं, बल्कि बपतिस्मा का जीवन दूं। वो आपकी रक्षा करना चाहते हैं, आपके जाते समय, आपके आते समय, आपके घर में कहीं बार भी हो, परमेश्वर आपके चारों ओर बाड़ा बांध के रखना चाहते हैं। आपको तैयार होना है। हालेलुया। अगर पिछले दिनों में आपने इस बाड़े को तोड़ा है, तो आज परमेश्वर से क्षमा मांगे, अपने मन में कहे, परमेश्वर जी मुझे माफ करना, मैंने ऐसे कदम उठाए कि मैं इस बाड़े से बाहर निकला, इस बाड़े को मैंने तोड़ा है। आज परमेश्वर मैं इसकी क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगती हूँ। आज से फिर चारों ओर मेरे बाड़ा बांध दीजिए। हालेलुया। रामालास्ता पालोसो बोली सीखी बीड़ी सी बालास्ता बालास्ता बोलोसो। चारों ओर हम लोगों ने कितनी बार भी पढ़ा, क्या लिखा है, चारों ओर परमेश्वर बाड़ा बांध के रखेंगे। लेकिन जब आपको बाड़ा तोड़ना है, तो चारों ओर बाड़ा तोड़ने की जरूरत नहीं है। शैतान कहता है चारों ओर का बाड़ा तोड़ने की जरूरत नहीं है, इतना सा तोड़ने का सवाल बाड़ा, मेरे आने के लिए रास्ता खोल दे। शैतान कहता है मेरे आने के लिए रास्ता खोल दे, मेरे आने के लिए रास्ता खोल दे। और जो बाड़ा तोड़े पाते हैं, शैतान बसेगा। ये बारास्ता बारास्ता का बारास्ता का